हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैग विद रवि चैनल में। आए बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M40 की, जिसका प्राइस हो सकता है 19,990 रुपीज़। तो ये फ़ोन काफ़ी शानदार है इस प्राइस रेंज में। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसमें डिस्प्ले जो होने वाली है वो 6.3 इंचेस की होने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल्स का। ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और इसकी पिक्सल डेंसिटी आपको मिलने वाली है 409 PPI। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके बाद इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो जून 11, 2019 को ये लॉन्च हो सकता है। एंड्रॉयड पाई के साथ ये लॉन्च होगा और इसमें आपको नैनो सिम मिलने वाली है और 4G सभी बैंड सपोर्ट करेगा इंडिया के। और इस फ़ोन की सबसे खास बात अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको पंच होल कैमरा मिलने वाला है, जो कि डिस्प्ले में ही आपको मिलने वाला है। पंच होल कैमरा आपको फ्रंट कैमरे रूप में दिया जा रहा है, तो ये कैमरा काफ़ी शानदार होने वाला है। अब बात साथ में इसके कैमरे की भी कर लेते हैं। तो 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल प्राइमरी कैमरा इसमें आपको मिलने वाला है। और ये कैमरे में आपको 1.7 अपेचर के साथ मिलने वाला है। LED फ्लैश भी आपको साथ में इसे मिलने वाला है। इमेज रेजोल्यूशन जो आपको इस कैमरे में मिलेगा वो 6500x4920 पिक्सल्स का मिलने वाला है। इसमें आपको ISO कंट्रोल, एक्सपोजर कंप्रेशन और कंटिन्यू शूटिंग मोड, हाई डायनेमिक HDR मोड, आपको सभी मोड इसमें मिलने वाले हैं। और आप 30 FPS पर आप 4K रिकॉर्डिंग भी इसमें कर सकते हैं। 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, जो कि 2.0 अपर्चर के साथ मिलने वाला है। इसमें भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1920x1080 पे आपको 30 FPS पर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। पंच होल कैमरा मिलने वाला है, इसकी वजह से आपको फुल बेजल लेस डिस्प्ले मिलने वाली है। इसकी बैटरी की बात करें तो 3500mAh इसमें आपको बैटरी मिलने वाली है। साथ में आपको क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी इसमें। और अब अगर बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 मिलने वाला है। तो इस फोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2 GHz का, जिसमें ड्यूल कोर क्यूरो 460 प्लस 1.7 GHz की क्यूरो 460 के साथ आपको मिलने वाली है। और ये आपको एड्रीनो 612 पर आपको GPU भी साथ में दे रहा है, तो 6 GB की इसमें रैम भी मिलने वाली है। तो ये फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है। इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इसमें आपको 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है, जिसको आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन के बारे में बात करें, तो फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें आपको रेयर में ही मिलने वाला है। तो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, जो इनबिल्ट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहते थे उन लोगों के लिए ये फ़ोन नहीं है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिल रहा है। इसमें आपको फ़ोन में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ अगर आप चाहें तो इस फ़ोन में कमी कह सकते हैं, वो 3.5 mm मॉड्यूल जैक भी इसमें मिलने वाला है। तो ये फ़ोन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।